हजारों वर्ष पुरानी परंपरा का ध्वज जम्मू से उठा था। मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं वहां उपस्थित था। मुझे लगता है कि हमारी सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत का हिस्सा जम्मू कश्मीर के और मुझे बताया गया कि शाम होने के पहले जो लोग सुबह चले वो अपने अपने शिविरों में पहुंच गए। आराध्य देव बाबा बलसानी के दर्शन है, आध्यात्मिक अनुभव है, इस यात्रा में शरीक होते हैं। आप सबने इस यात्रा को लेकर के जो कार्यक्रम रखा, मैं समझता हूं कि जो आप यहां की विरासत रही है, सांस्कृतिक विरासत, उसको फिर से पुनर्जीवित करना और मजबूत करने का एक नया अध्याय आपने शुरू किया है, जिसके लिए मैं आप सबको हृदय बधाई देता हूं। सरकारी तौर पर कोई भी आवेदन वो नहीं करता है, प्रशासन इंतजाम कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कोई इंतजाम काफी नहीं होंगे जब तक दिल से यहां के स्थानीय निवासी देश भर से आने वाले लोगों, जैसा बताया मेरे पूर्व प्रवक्ताओं ने, ये पुरानी परंपरा है। तो चाहे टेंट लगा दिए जाए, चाहे बिजली पहुंचा दी जाए, चाहे पीने के पानी का इंतजाम कर दिया जाए, ऑक्सीजन पहुंच जाए, अस्पताल बन जाए, मुझे लगता है यात्रा पूरी होगी जब तक यहां के लोग उस यात्रा में, जैसा कहा कि हमने एक गिलास पानी जरूर पिलाए, बस्ती साहब ने कहा, किसी ने कहा कि हमारे यहां के पूर्वज माताएं खास करते साधुओं के लिए इंतजाम करती थी,